हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जब एक आम आदमी मुकदमा लड़ता है, या ये कह लेते हैं कोई भी व्यक्ति जब मुकदमा लड़ता है, तो आपको हम बताएंगे एक वकील को जितना फीस उसे देना पड़ता है, लगभग उससे ज़्यादा, कहीं कहीं तो उससे ज़्यादा, कहीं कहीं कम। हालांकि वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वकील कितनी फीस ले रहे हैं वकील साहब, लेकिन उस व्यक्ति का अर्थात उस अभियुक्त का, उस बंदे का कितना पैसा न्यायालय परिसर में खर्चा होता है, आज उसके बारे में हम बताएंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हो सकता है कोई ऐसा रूल आ जाए, या कोई ऐसा जजमेंट आ जाए, या कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाए, डायरेक्शन इशू हो जाए कि न्यायालय में लगने वाला पैसा कम हो जाए। वो क्या है कि मान लेते हैं कोई भी केस चल रहा है व्यक्ति का, तो अगर वो गया व्यक्ति, तो अगर वो तारीख लेने के लिए भी जाता है, तो ₹10, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, हालांकि मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा, न ही किसी कोर्ट का, मान लेते हैं कचहरी का मैं मामला बताऊं आपको, तो कचहरी में कोई भी अदालत में आप जाइए, अगर मैं झूठ कह रहा हूंगा तो ये वीडियो बिल्कुल आप मत देखिएगा, और इस पे कड़ा कमेंट करिएगा कि मैंने क्या गलत कहा इसमें, जरूर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और यदि मेरी बात सही होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वकील साहब आपने 100% ये बात सही कही। तो आदमी गरीब हो या अमीर हो, वहाँ पे पैसे का दोहन कैसे किया जाता है और किस तरह से पैसे लिया जाता है, आपको बताएं। अगर मुकदमा देखने अभियुक्त गया, या वादी प्रतिवादी कोई भी गया, मुकदमा देखने गया, तारीख हुई, अब उसके रहे सिग्नेचर की बात, तारीख तो ऊपर हो गई, जज साहब ने तारीख दे दिया भैया, अब जब वो साइन करने के लिए उसके पास फाइल आती है नीचे, जो चपरासी आया फाइल लेके, अब उसने साइन बनाया, उससे पैसा, किसी से ₹20, किसी से ₹10, किसी से ₹50, किसी से ₹100, माने जिस तरह से मुर्गा है उस तरह से उसको हलाल कर दिया जाता है। कहने का ये मतलब है कि सोचिए, सरकारी तनख्वाह पे काम करने वाला व्यक्ति, उसको ये नहीं है कि ये आम आदमी, गरीब आदमी, क्या इसके पास पैसे हैं या नहीं है, ये वकील साहब को भी दिया भी है या नहीं दिया है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उससे पैसा लेगा और 100% लेगा। इन केस अगर अब वो व्यक्ति कह दे कि भैया आज पैसा नहीं है, अरे यार मुंह उठाए चले आते हो, माने उसको इस तरह से जलील किया जाता है कि जैसे उन्होंने पहले से उस व्यक्ति को कर्ज दे रखा है, मतलब केस उसका, सिग्नेचर उसका, और तुम अपना सरकारी काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, उनको अलग से पैसा चाहिए। चलिए ये बात एक चपरासी की हो गई, अब बात कर लेते हैं पेशकार महोदय को। पेशकार महोदय का काम क्या होता है, अगर इन केस कोर्ट नहीं है, या कोर्ट है भी, अभियुक्त या वादी प्रतिवादी मुकदमे में तारीख चाहता है, तारीख दिए, वो भी ₹10 भी पकड़ लेते हैं, 50 भी पकड़ लेते हैं, 100 भी पकड़ लेते हैं। कहने का ये मतलब, अब एक पेशकार मतलब ये समझिए कि 50,000 से तो कम तनख्वाह नहीं होगी किसी भी पेशकार की कोर्ट में। अब पेशकार साहब भी पैसा, फाइल उसी के नीचे पैसा जा रहा है। अब मेरा ये सवाल है आम आदमी से, क्या दिन भर में एक बार भी वो पैसा लेते, क्या वहां उपस्थित जज साहब नहीं देखते हैं? देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया की चीजें उनके सामने हो रही होती हैं, जो नहीं होती हैं वो भी देख लेते हैं, तो क्या वो पैसा पकड़ाते नहीं देखते होंगे? देखते होंगे, जरूर देखते होंगे। तो मेरा ये कथन है, क्यों नहीं सस्पेंड कर देते ऐसे लोगों को? चलिए ये बात तो हो गई छोटी सी। अब जब पेशकार साहब बयान लिखते हैं, तो जानते हैं कितना लगता है, आप चाहे महागरीब आदमी हो, उसको ₹100 जरूर देना पड़ता है। मान लेते हैं 156(3) का जो बयान करा रहे हैं, कोई कोई मजिस्ट्रेट साहब अपने से लिखते हैं, कोई कोई पेशकार को बोल देते हैं,
गवाहों का बयान पेशकार को कह देते हैं, भाई मेन वादी का लिख लिया 200 का और 202 का बयान पता चला पेशकार साहब ने। अब जब पेशकार साहब बयान लिखते हैं तो एक बयान का कम से कम 100 रुपए, अगर इनके शायद उनको 50 दिया जाने लगा तो इतना भुनभुनाएंगे वकील साहब को जलील कर देंगे, अभियुक्त और सॉरी वादी को भी जलील कर देंगे। मतलब ये कि 50 भी दे रहा है और वो दुनिया भर की गालियां भी खा रहा है। तो क्या ये भाई, लोगों का कथन रहता है कि न्यायपालिका बड़ी पवित्र है, मैं मानता हूं पवित्र है, तो ये छोटे छोटे चिंदी चोर वाला काम जो लोग कर रहे हैं, क्या इन पे कोई जजेस रोक लगा सकते हैं, कोई ऐसा डायरेक्शन इशू कर सकते हैं? अब चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे बढ़ने, चलिए बड़े बाबू का खेला देख लेते हैं, अभी पेशकार का और बचा है और बताएंगे बड़े बाबू का। मान लेते हैं कोई बेल फाइल हो गई, बेल फाइल होके आ गई, अब उसमें ऑर्डर भी हो गया। अब जिस दिन ऑर्डर हुआ, स्टेनो के पास गए तो ये ऑर्डर हो गया कि नहीं, स्टेनो वकील साहब कुछ खर्चा दीजिए, तो अगर उसे 50 दिया जाएगा तो वो दिमाग खराब कर देगा। अच्छा ये सिस्टम बना क्यों है भाई, हमारे जैसे जूनियर लालच मार लेते हैं कि भाई ठीक है, अब हम कभी ना कभी जूनियर थे, हो सकता है किसी के अभी भी हों, लेकिन अब सीनियर खुद ही कहते हैं जाना उसको 100 रुपए दे देना, अब वो पकड़ा दिए, अब उनके ये नहीं समझ में आता है कि ये 100 आया कहाँ से, ये 100 किसके ऊपर भार पड़ रहा है, क्लाइंट के ऊपर पड़ रहा है। क्या वो 100 नहीं देंगे तो क्या वो ऑर्डर नहीं होगा? लेकिन एक बात और मैं बता दूं, वो ऑर्डर अगर आज होने वाला रहेगा तो वो ऑर्डर आपको कल मिलेगा, हो सकता है परसों मिले, यानी कि जिसका पहले पैसा पहुंचा उसका ऑर्डर पहले आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गई स्टेनो की बात। अब बाबू की बात चलिए, बाबू तो हर कदम पे पैसा लेता है, यहां तक कि कभी कभी रिहाई वहाई में 500-1000 का मुंह आता है, वेरिफिकेशन का अलग पैसा लेगा, बेल बांड प्रस्तुत करने का अलग पैसा लेगा, 100 रुपए कम से कम 100 रुपए, इससे कम तो कोई बाबू का काम होता ही नहीं है। एक कलम चली कि 100 रुपए, जमानतदारों को हाजिर करना हो गया वो भी 100 रुपए, यहां तक कि उस जगह पे बैठा व्यक्ति जो पुलिस वाला कोर्ट मुहर्रिर होता है वो भी, जिसे सरेंडर किया है जब उसे छोड़ा जाता है 150 वो भी लेता है। यहां तक कि चलिए बेल की मैं बात कर लूं, अब बेल जब हो जाती है, जब परवाना भेजने लगते हैं, रिहाई बनती है, तो फिर बातें न करिए, रिहाई बनाने वाला लेगा पैसा, जो ले जाके जमानतदारों को पेश करता है वो अलग पैसा लेगा, अब जो रिहाई बन गई साइन होके आ गई बाबू के पास, उसे ले जाके देना होगा कि भाई जेल जाना है इसको, अब जेल में जाएगी ये रिहाई, तब तो मुलजिम छूटेगा। जो ऑफिस से वहां तक ले जाएगा कार्यालय तक, उसको अलग चपरासी को देना है वो, अब जो जेल में ले जाएगा पर्ची यानी रिहाई परवाना उसे अलग देना है। मतलब ये कि क्या आम आदमी को कहीं थोड़ा सा भी राहत मिलती है? मैं आपको बता दूं, अब चलिए जो वेरिफिकेशन वाले लगे होते हैं, जमानतदार दाखिल किए, कागज दाखिल हुआ तो एक रिपोर्टिंग के लिए थाने जाता है, एक तहसील जाता है, तो जो थाने पे ले जाने वाला पैरोकार है पुलिस वाला, वो सिर्फ ले जाने का 100 रुपए लेगा, ले आने का 100 रुपए लेगा। अगर उससे बात कर ली जाए कि भाई ठीक है बना बना के रिपोर्ट लेते आना, तो वो 1000 और लेगा अलग से, यानी कि तब वो दरोगा से लिखाएगा कि वो अपने से मुंह टंच के ले आएगा, भगवान जाने कैसे करेगा, एक ही दिन में ले आ देगा। अगर 1000 उसको दे दिया जाता है तो वो आज आप रिसीव कराएंगे वो कल ही ले आके पटक देगा रिपोर्ट। अगर शायद उसको 1000 नहीं मिला तो जो रिपोर्ट आनी थी एक दिन में वो आएगी कम से कम 15 दिन में। तो ये आम आदमी को सताया जाने वाला, बड़े प्रेम से सताया जाने वाला काम है, क्या इसे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीफ रोक सकता है?
मुझे तो नहीं लगता ये रुक पाएगी। अब जो तहसील का पैरोकार है, अब उसका रवैया देख लेते हैं। और जो बाबू बैठा है कोर्ट में, वो क्या करेगा, रिसीव करवाने का 500 लेगा डायरेक्ट। वो आपको अगर देगा हाथों हाथ तो कहेगा भैया 500 वकील साहब दे दो, और ले जाके पैरोकार को आप दे दो, रिसीव करा दो, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। तहसील वाले का अलग रिपोर्ट आ जाएगा, उसका 500 अलग दे दो। अब जब वकील साहब की आदत क्या है देने की, भाई खुद तो देना नहीं पड़ेगा, फिर वकील क्यों देगा भाई, क्लाइंट के सिर पे ये बोझा जाएगा। तो जितना वकील साहब कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट में बेकार का पैसा चला जाता है। कहने का ये मतलब, अगर 4000 का खर्चा है तो वकील क्यों ना 15000 बताए। 4000 का खर्चा तो 4000 तो वही लूट लिया जाता है कोर्ट के अंदर किसी भी काम में, जब इस तरह से पैसा लूटा जाता है। इसी तरह तहसील वाले का काम है, वो 100 रुपए ले जाने का लेगा, 100 रुपए कागज ले आने का लेगा, और जो रिपोर्ट ले जाने ले आने का तो काम इतना हो गया। अगर वो रिपोर्ट आप कहेंगे ठीक है रिपोर्ट लगवाते आना हम पैसा दे देंगे, तो फिर आपकी रिपोर्ट 1 महीना में आएगी तहसील वाली, जाइए छुड़वाइए कैदी। अब जब रिपोर्ट आएगी नहीं तो आप छुड़वा नहीं पाएंगे। इस तरह से न्यायालय परिसर में एक आम आदमी को लूटा जाता है। जितनी बात मैंने बताई उसमें 1% भी ऐसी बात नहीं है जो कि गलत है। यहां तक कि कोई क्राइम हुआ, अपराध हुआ, आपने जो रिमांड हो गया, कोर्ट मुहर्रिर के पास जो कागज होता है, FIR भी लेने जाते हैं, तो उसके लिए भी 100 रुपए देना पड़ता है। सीधे कोर्ट मुहर्रिर कहेगा भैया 100 रुपए दो, फोटो स्टेट ले जाओ। 100 रुपए आप उसको देते हैं तब वो फोटो स्टेट देता है। कहने का मतलब न्यायालय में हर कदम पे पैसा, जबकि सबको सरकारी काम दिया गया है, सरकारी पेमेंट मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन किसी का कुछ भी पेट उससे भरने वाला नहीं है। हर जगह पैसा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमने कहा, जो बताया आपको, वो कहां तक, किस हद तक, कितना सही है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसे भी यह वीडियो बुरा लगा कि भाई इसमें ये बात गलत है, वो भी कमेंट करके बताए। और अगर ये वीडियो हमारे उच्च अधिकारियों तक, हमारे ऑनरेबल जजेस तक ये वीडियो पहुंचे, तो मैं उनसे ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो क्रिया प्रणाली है, कार्य प्रणाली है कोर्ट के अंदर, जो इस तरह से छोटी मोटी रकम लेके आम आदमी को, गरीब आदमी को हैरान परेशान किया जाता, एक तरह से ये भी टॉर्चर है। ऑलरेडी मुकदमे में आदमी परेशान है लेकिन उससे चूसा जा रहा है हर महीने हर रोज तारीख पे, तो ये गलत बात होती है। तो ऑनरेबल जजेस से ये उम्मीद है, ये विनम्र निवेदन है मेरा कि इस तरह से जो सिस्टम है इसे और अपडेट करने की जरूरत है, और बेहतर बनाने के लिए इस तरह से जो रोक, इसे रोका जाना कह लीजिए, बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, ताकि न्याय प्रणाली, हमारी जो व्यवस्था है वो और ही अच्छे से बने, इस पे लोगों का अटूट विश्वास बना रहे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP72 कानून को प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।